हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फूड इज वर्ल्ड। सिस खुशी जैन। अक्सर हमारे घरों में चावल बच जाते हैं, इन चावलों से आज हम बनाएंगे क्रिस्पी टेस्टी चटपटा नमकीन। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। सबसे पहले जो हमारे पास बचे हुए चावल हैं उनको हम एक परात में लेंगे, और ये चावल जो जमे हुए होते हैं, देखिए ये गट्ठे से बन जाते हैं बचे हुए होने की वजह से, तो इनमें हल्का सा हम पानी लगाकर इनको फोड़कर अलग अलग कर लेते हैं। जब हमारे सारे चावल अलग अलग दानों के रूप में बिखर जाएं, तो हम इन्हें धूप में सूखने के लिए रख देंगे। तेज धूप में रख देने से ये 5 से 6 घंटों में अच्छी तरीके से सूख जाएंगे। देखिए सूखने के बाद चावल हमारे कुछ इस तरह के हो जाएंगे। जब भी आपके चावल बच जाएं तो आप उन्हें सुखाकर इन्हें इस तरीके से बहुत दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें इनका नमकीन बनाने के लिए क्या करना होगा और हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हम चावलों के हिसाब से मूँगफली 50 ग्राम, करी पत्ता 20-25, धनिया 2 टीस्पून, मसाला 1 टीस्पून, लाल मिर्च 2 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला 1 टीस्पून। अब हम एक पैन में ऑयल को गरम कर लेंगे और जो हमारे सूखे हुए चावल हैं उनको इसमें डीप फ्राई कर लेंगे। इन्हें फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, डालते साथ ही ये फूल जाएंगे और आप इन्हें निकाल लें। हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं ताकि एक्स्ट्रा ऑयल ये एब्जॉर्ब हो जाए, और हम ये मूंगफलियाँ भी फ्राई कर लेंगे। और हम करी पत्तों को भी धोकर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। अब हम इनमें जो हमारे जो मसाले हैं वो डालेंगे। तो हम सबसे पहले डालते हैं इनमें धनिया, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अंत में चाट मसाला डाल के हम इन्हें मिक्स करते हैं। अगर आपको थोड़ा खट्टापन पसंद है तो आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। बस अब हम इन सबको मिक्स कर लीजिए और हमारा झटपट नमकीन बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है, आप इसे मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके साइड में जो घंटी है उसे दबाना ना भूलें ताकि आप मेरे अपकमिंग वीडियो मिस नहीं करें।